सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल रिचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका अपना दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में वो कोर्सेज करके एक विशेष शिक्षक बन सकें, उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्पेशल एजुकेशन में अगर आप विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं, तब आपको या तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन या एमएड इन स्पेशल एजुकेशन करनी पड़ती है, या और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में, रिहैबिलिटेशन के फील्ड में आपको मान्यता देते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें डीएड, डीएड के फॉर्म अप्लाई किए जा चुके हैं। ठीक है, उसकी मेरिट कुछ दिनों में आ जाएगी, उम्मीद है 6 नवंबर तक उसकी मेरिट आने के चांसेस हैं। तो जो लोग डीएड के फॉर्म नहीं कर पाए लेकिन उनकी ग्रेजुएशन करी हुई है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएड में अभी भी एडमिशन्स हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट बात करेंगे बीएड इन स्पेशल एजुकेशन में कहाँ एडमिशन्स हो रहे हैं उस पर। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से डिस्कस करके मेरे से कोई भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप इन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करता हूँ सबसे पहले इन ग्रुप्स में शेयर करता हूँ, अगर आप वहाँ होंगे तो डायरेक्ट आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इनसे जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे इन सभी ग्रुप्स के, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बीएड के एडमिशंस कहाँ हो रहे हैं और क्या उसका प्रोसीजर है, देखते हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक नाम है तपन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी करनाल, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। मैं ये वाली लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आरसीएस अप्रूव्ड कॉलेज की है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई फेक वीडियो ना बना दे तो करके, कि मैं हमेशा वही डेटा डालता हूँ जो कि वैलिड होता है। तो इस लिस्ट में इस कॉलेज को मान्यता दे रखी है और यहाँ बीएड इन स्पेशल एजुकेशन एचआई के अंदर करवाई जाती है, जिसमें 30 सीट्स हैं। इस कॉलेज में एडमिशन्स हो रहे हैं, अगर आप कोई कैंडिडेट करना चाहता है वहाँ कर सकता है। तो मैं दिखाता हूँ इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कॉलेज ने जो जारी कर रखी है वो दिखाता हूँ मैं आपको। विशेष शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर, ये इन्होंने हेडलाइन दे रखी है, विशेष शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर, तपन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी करनाल, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट 1860 एंड 2012, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ डिसेबल्ड दिव्यांगजन, नियर पुलिस पोस्ट, जीटी रोड, नीलोखेरी, करनाल। दोस्तों, ये इसका नाम है इंस्टीट्यूट का, जो इस सोसाइटी तपन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी के अंडर में है ये, और यहाँ एडमिशन्स है ओपन बीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के 2020 से 21 बैच के लिए, अप्रूव्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लिस्ट में दिखा दिया है कि इनका नेम वहां पे मेंशन है और मान्यता दे रखी है इन्हें। एफिलिएटेड बाय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मिली है इन्हें। और एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसमें एडमिशन ले सकता है? एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स की फॉर जनरल कैटेगरी एंड रिजर्वेशन एज पर नॉर्म्स ऑफ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन कर रखा है एलिजिबिलिटी के लिए, और अगर आपके 50% मार्क्स हैं और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, 50% मार्क्स और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप अदर कैटेगरीज में आते हैं तो उसके रिजर्वेशन को लेके जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो चलेंगे, हरियाणा के अंदर है तो हरियाणा गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो लगेंगे, इस पे लागू होंगे। उसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बता रखे हैं, एक तो बता रखा है
ट्वेल्थ की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड, ये सारे आपको इम्पोर्टेंट जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे। और इस बीएड की जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स की है। इन्होंने एक वेबसाइट भी दे रखी है, अगर आपको कुछ रेफरेंस चाहिए, आपको कुछ विजिट करना है तो आप वेबसाइट भी देख सकते हैं। तो देखते हैं आगे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। बीएड स्पेशल एजुकेशन 2020 से 2021 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 6/11 से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 6/11 2020 से। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगी 20 नवंबर। 6 से 20 तक आपको टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बीएड में एडमिशन लेने के लिए। और जो मेरिट जारी की जाएगी फर्स्ट, वो 23/11 2020 को, जो आपकी फर्स्ट लिस्ट है मेरिट की वो 23 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। और जो सेकेंड लिस्ट है मेरिट की वो 1 दिसंबर 2021 तक जारी कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे रखी है, आप वो भी विजिट कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ेगी। मैं ऐसा करूंगा कि ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा। आप क्या करेंगे, आप लिंक अगर ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, तो आप वहां से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये सारी की सारी मैं पूरी जो इमेज है मैं वहां पे सेंड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो आप इसके ईमेल आईडी और जो भी कॉन्टेक्ट चाहिए हो आप देख सकते हैं। मैं आपको दोस्तों एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, इस कॉलेज की थोड़ी सी फोटो दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे पास आई है, जो कि वहाँ के स्टाफ की है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस जो कि कोर्सेज कर रहे हैं उनकी है। तो दोस्तों ये है उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ये। यहाँ पे विशेष शिक्षा के स्कूल भी होंगे, आई थिंक स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस जो बीएड कर रहे हैं या। और ये भी फोटो इसी कॉलेज की है, ठीक है। और थर्ड ये फोटो भी, यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है यहीं की है। तो दोस्तों ये है आपका तपन या प्रज्ञा, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं बीएड इन स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो आज की वीडियो बनाने का मेन जो मोटिव था यही था कि उन कैंडिडेट्स के पास जानकारी पहुंच सके जो अभी तक अवेयर नहीं है, जिनको अभी तक बीएड में एडमिशन लेना है लेकिन अभी तक नहीं ले पाए। तो हरियाणा के अंदर एक है तपन या प्रज्ञा नेम से, आप वहां जाके एडमिशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे उन सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर कीजिएगा जहाँ जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।